वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भंडारली डंपिंग को बंद करने की मांग हो रही है। भंडारली के लोगों ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, अगर शुक्रवार तक मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शनिवार को डंपिंग ग्राउंड बंद करने का मन से विधायक राजू पाटिल का अल्टीमेटम है। विधायक राजू पाटिल और तमाम गांव वाले भंडारली डंपिंग बंद करने की मांग लेकर आज मनपा कमिश्नर अभिजीत बांगर से मुलाकात की और डंपिंग का मुद्दा सामने रखा। एक साल का समय अब पूरा हो चुका है, अब डंपिंग बंद किया जाए। साथ ही कहा कि सन 1992 से पेंडिंग 14 गांवों को मनपा में शामिल करने वाले प्रस्ताव कब पारित होंगे। मनसे विधायक राजू पाटिल ने मनपा कमिश्नर से मुलाकात कर भंडारली डंपिंग को बंद करने की बात कही। वहीं मनपा कमिश्नर ने भी बंद करने के लिए कुछ समय मांगा है। मनसे विधायक राजू पाटिल ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। 14 गांव का प्रश्न और डंपिंग का प्रश्न लेके गांव वाले नाराज थे, आज मनपा आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई और क्या आश्वासन मिला है? नहीं, जो डंपिंग इन्होंने बोला था कि 19 फरवरी 2022 को बोला था कि एक साल के लिए हम लोग ले रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ सुविधा देंगे, आपकी जो गांव निकालने हैं वहाँ से नवी मुंबई में जो गांव शामिल करने वो काम आपका किया जाएगा और एक साल के बाद ही बंद करने वाले, ऐसा लेकिन कुछ हुआ नहीं है, ना कि उन्होंने जो आश्वासन दिए थे वो पूरे हुए, तो इसको लेके लोगों में बहुत असंतोष था। और कल हम लोग खुद वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ मतलब प्रॉपर प्रोसेस किए बगैर वो कचरा निकल रहा है, उसमें से पानी बह रहा है और पोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग वो बंद करने के लिए कल गए थे, लेकिन आज आयुक्त साहब ने मीटिंग लगाया और हमको बोला कि ये प्रोसेस हम लोग 2 महीने बाद बंद करेंगे, आप थोड़ा सहकार्य करो। हमने भी कुछ उनके पास डिमांड रखी है कि अगर ये शुक्रवार तक अगर सीएम साहब का कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया और हमारा समिति है वहाँ पे 14 गांव सर्वपक्षीय समिति, उनका मीटिंग नहीं हुआ तो हम फ्राइडे से ही बंद करने वाले हैं। अधिवेशन आने वाला है, अधिवेशन में क्या ये मुद्दा बुझेगा? लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आरोग्य की दृष्टि से डंपिंग में जो सुविधाएं करनी चाहिए वो नहीं किया गया। नहीं, अधिवेशन में जिधर मुद्दा उठाना है उधर तो 100% हम लोग उठाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो नौबत आएगी, क्योंकि सीएम साहब थाने के और वो नहीं चाहेंगे कि थाने का कचरा जो बाहर जा रहे हम लोग जो डालने दे रहे वो थाने में ही पड़ा रहे और उनका नाम खराब हो। दवा जो छिड़काव किया गया वो पानी का बॉटल था, ऐसा भी आप लोगों ने एक इल्जाम लगाया उनको, उसके लिए आयुक्त ने क्या कहा? आयुक्त साहब बहुत पॉजिटिव है, उनका नवी मुंबई में काम भी देखा है और वो कुछ करेंगे ऐसा हमको भी होप से, तो उनको जो इसमें जो चल रहा था जो पानी मार रहे थे क्वालिटी नहीं और कुछ मेंटेन नहीं कर रहे सब वो सब उनको दिखा है, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का वादा किया। शुक्रवार तक मांगे नहीं पूरी, शनिवार से डंपिंग बंद होगा। बंद। थैंक्स।